हाय गाइस, एग्रीडू की आज की इस वीडियो में आपको एग्रीडू की एक अपडेट लेके आए हैं। तो ये जो अपडेट है वो आपके सीओपी के रिजल्ट और आपके जो और सेमेस्टर का जो आपका जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग अपडेट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी यूपीपीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एग्रीडू की सॉरी यूपीपीटी नहीं एग्रीडू के जितने स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचोगी और आप हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एग्रीड्यू की बात करें। एग्रीड्यू का सीओपी का जो रिजल्ट है, जिस छात्र छात्रा जो छात्र छात्रा जो सीओपी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर और सेमेस्टर के फर्स्ट फेज के एग्जाम एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो मैंने अपने एक टीचर से बात करी, उन्होंने बताया कि बेटा जो रिजल्ट है वो 15 तारीख तक तो नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब 15 अप्रैल तक तो कोई भी रिजल्ट आपका जारी नहीं हो पाएगा किसी भी कोर्स का, ना ही सीओपी का रिजल्ट जारी हो पाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट माना जा रहा है कि 15 के बाद कभी भी आपके जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे आना। मतलब 15 तारीख के बाद, मान लीजिए 17, 18, 19, इन तारीखों में आपके जो रिजल्ट हैं सीओपी के हो गए, एग्रीड्यू फर्स्ट फेज के जो एग्जाम थे, चाहे वो वीटेक के 7th सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, चाहे वो ईवी फार्मा के लास्ट ईयर के जो सेमेस्टर है उसके जो एग्जाम हो गए। ठीक है, तो रिजल्ट है 15 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगा आना। उससे पहले कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि रिजल्ट आपका आ जाए। रिजल्ट सारी चीज़ें कॉपी वॉपी सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट में ये एक दिक्कत ये है कि कुछ ऐसी कॉपी है जिन पे बारकोड नहीं लगा था, जिनकी वजह से वो कॉपी स्कैन नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से उन कॉपी वो कॉपी नहीं मिल पा रही है, उन कॉपी का नहीं पता चल पा रहा है। तो जब तक वो चेक नहीं हो जाती, जब तक, और एक फिर एक एजेंसी है उसको भी तैयार नहीं किया गया कि वो मार्क्स को अपडेट करे, मार्क्स को चढ़ाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन इन सारी चीज़ों में लग जाएंगे, उन सर जी का कहना था। तो मान के चलिए आपको जो रिजल्ट है 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा आना। ठीक है, रिजल्ट सारे ब्रांचेस सारे कोर्सेज का एक साथ नहीं आएगा। जैसे बीटेक का मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बीटेक का अलग अलग सेमेस्टर का अलग अलग आएगा। ठीक है, 7th सेमेस्टर का अलग आएगा और 5th सेमेस्टर का अलग आएगा। ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स आपके जारी किए जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के भी और अलग अलग ब्रांचेस के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और एक्यूटी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।